Assalamualaikum, welcome back in my channel Travel Dreams and Destination. और आज की हमारी जो है वो डेस्टिनेशन है पेरिस. तो जाएंगे हम इसमें यूरोस्टार में और कोच नंबर है हमारी 11. ये जी है यूरोस्टार पे और यहाँ पे हॉट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है. यूरोस्टार का ब्रेकफास्ट क्रोसेंट और ये है और चॉकलेट. और इस टाइम जो ट्रेन है वो इंग्लिश चैनल के नीचे जा रही है और अप्रोक्सीमेटली जो स्पीड है मेरे ख्याल इसकी 267 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ट्रेन चल रही है. और अभी जो है हम फेमस यूरो टनल इसके जो है अंदर है और जिससे आम लफाज में चले समुद्र के नीचे हम इस टाइम मौजूद हैं. वेलकम इन पेरिस गार्डन और ट्रेन स्टेशन. और ये हम पहुंच चुके हैं और ये एक लुक फर्स्ट लुक पेरिस की ट्रेन स्टेशन की. और ये हमारा ट्रेन का जो स्टेशन था इख्तिताम हुआ और ये ट्रेन जो है वो लंदन जा रही है. तो 2 घंटे और 20 मिनट की ये जर्नी थी और नॉन स्टॉप, इसमें स्टॉप कोई नहीं था. तो मिलते हैं इंशाल्लाह पेरिस की वीडियो में. जो ये पेरिस की जो है एक खूबसूरत सुबह सनशाइन जो है वो काफी तेज है और आपको ये खूबसूरत कैथीड्रल का जो है वो अभी व्यू करवाते हैं और इसके अंदर भी आपको लेके जाने की कोशिश करते हैं. और काफ़ी शानदार और काफ़ी ऊंचाई पर जो है ये बिल्डिंग है और यहाँ से जो है वो सिटी का जो है वो ऑलमोस्ट बड़ा प्यारा व्यू आता है. पूरा सिटी जो है यहाँ से कवर अप हो जाता है. और ये देखें कितनी ऊंचाई पर, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कितनी ऊंचाई पर जो है ये लोकेटेड है. ये सारी स्टेप्स आपने जो है वो चढ़कर ऊपर आनी है. हाँ जी, आपको लेके चलते हैं अंदर. यहाँ पे नो फोटोग्राफी या साइलेंस का लिखा हुआ है तो मैं अभी इससे आगे नहीं बोलूंगा, तो सिर्फ आपको वीडियो दिखाऊंगा यहाँ से. खूबसूरत व्यू यहाँ से देखिए कितना प्यारा है. और इसके सामने अभी हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट जो है इस कैफ़े में. और अभी हम जाने लगे हैं इसके अंदर और ये जो है इसका नाम ले स्टूडियो कैफ़े. तो अभी बाकी दोस्त मैं चले गए अंदर, अभी हम भी चलते हैं इसके अंदर. ये जी अंदर से कैफ़े काफ़ी कोज़ी और बड़ा ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर का ये इसका जो इंटीरियर. और ये बुक्स यहाँ पड़ी हुई है बुक फॉर्म्स के लिए. और ये इसका मेन्यू चेक कर दिखाएं जी. मेन्यू दिखाएं का, अब क्या खाने पीने वाले हम जी. मेरे फेवरेट है जी यहाँ पे जो मुझे पसंद है बेसिकली जी. आप यहाँ पे इनके पास आप न्यूट्रेला क्रेप खा सकते हैं. अच्छा, तो ड्रिंक में आप कॉफ़ी लेंगे? यस विद द कॉफ़ी. ओके चलो जी. ये पैनकेक फ्रेंड जो है ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है. ये देखें हॉट चॉकलेट और ये बनाना वाला क्या था भाई? ये बनाना पैनकेक है. पैनकेक नटेला बनाना पैनकेक कोकोनट नटेला पैनकेक. और ये है आलमंड नटेला पैनकेक. ठीक है जी. और ये आप लोग पी रहे हैं कॉफी? जी ये मेरी है मिल्क कॉफी, ये है कैपेचिनो एंड ये हॉट चॉकलेट. और यहाँ से ये व्यू स्टूडियो कैफे का. ये तो कैसा टेस्ट है?
ठीक है, गुजारा हो जाएगा, आप जब बताएं चेक करके। जी है, नॉट बैड। पेरिस और उसके शहर की गलियां और बाजार किस तरह के दिखते हैं और किस तरह के होते हैं ये आप देख लें। और ये आपको व्यू जो छुप रहा है व्यू हल्का हल्का, तो आपको मेरे ख्याल से लास्ट व्यू आएगा यहाँ का, और उसके बाद फिर अगली हम अट्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। और इसी सीधा अगर चले जाएं तो गार्डन और जो स्टेशन है मेन जहाँ से हम आए थे वो आ जाता है। ये टूरिस्ट शॉप्स, सुवेनियर्स, ये जी खूबसूरत बेकरी, और बड़ा प्यारा इसका जो अंदर जो है वो इंटीरियर नज़र आ रहा है और सामान जिसके अंदर। ये मेट्रो के टिकट लेने लगे और ये इसका पे करेंगे अभी, और यहाँ से फिर हम लेंगे लाइन मेट्रो की और आपको दिखाते हैं मेट्रो, मेट्रो नंबर 4 जो है ना हमें लेनी है यहाँ से। ये आपको भी दिखाते हैं कैसे ये टिकट यहाँ से डालनी है, और ये टिकट आ गई बाहर, और गेट खुलता नहीं है, आपने खुद इसको पुश करना है। हाँ तो ये यार, हाँ जी, आप वहाँ के यूज्ड हो गए, यहाँ पुश करना पड़ता है। और अंदर ये फ्रूट शॉप और शैम्पू वैम्पू मिल रहे हैं, अभी अपने भाई लग रहे हैं। ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन और ये जा रही है यहाँ की मेट्रो, यहाँ पे मेट्रो कहते हैं और लंदन में जो है इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब, लेकिन ये दिखने में भी डिफरेंट है। देखिए इसके टायर्स हैं नीचे, हाँ टायर वाला कुछ सिस्टम है, ये फंक्शन हो जाएगा। तो है ये काफ़ी वाइड लंबाई, जो लंदन वाली काफ़ी कंजेस्टेड है, उसका जो टनल्स हैं आई थिंक पुरानी बनी हुई, इसलिए ये हमारी मेट्रो ट्रेन आ गई है और इस पर अभी हम बैठते हैं। ये आपकी मेट्रो दिखाते हैं यहाँ की, कितने स्टॉप है हमारे? 10 स्टॉप। सही, ये लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा, ये लिखा हुआ है, हमें यहाँ जाना है। जी आ चुके हैं हम नोटर डैम कैथीड्रल, और कुछ साल पहले यहाँ पे आतिशबाजी का जो है वो यहाँ पे हुआ था केस, आग लगी थी यहाँ पे। और ये आपको क्लोज सर्कल अगर आपको दिखाऊं, ये पीछे भी जो है कि वो कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे ख्याल से, और ये इसका एरिया लॉन्ग ट्रेन। और ओके चलें जी आगे, मैं ये देखें ये आगे है जी रिवर सीन, फेमस रिवर पूरे पेरिस में जो है ये ज़िगज़ैग कितना घूमता फिरता है। और ये देखें कितना प्यारा व्यू यहाँ से, चलिए जी ये है नोटर डैम कैथीड्रल, और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कैथीड्रल्स हैं इन पेरिस। और ये वो है आपके सामने बिल्डिंग, भी आप देख सकते हैं इसकी कितनी शानदार और कितनी खूबसूरत और कितनी ये ऊंचाई पे बना हुआ है, ऊंची है, ऊंचाई पे तो नहीं खैर, काफ़ी कंस्ट्रक्शन काफ़ी सी ऊंची है।
ये देखें जी, एक ग्रैंड लैंडमार्क है ये, और ये वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, म्यूजियम द लूव्र। और ये देखें, लास्ट टाइम जब मैं आया था मैनी ईयर्स अगो, तो मैं गया था, इसके अंदर काफ़ी बड़ा है, इसके नीचे जो है अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन भी है, और इसकी जो टिकट थी जो उस टाइम मैंने ली थी वो 7 डेज़ के लिए वैलिड होती है। सो विद इन 7 डेज़ आप जो है अगेन एंड अगेन आकर इसके जो सारे हिस्से हैं आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, एक्सप्लोर करना एक दिन में जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप इसका एक राउंड शायद लगा सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करना हो तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। और ये इसके आगे भी है, लेकिन आप इसकी इमारत देखें कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत, और बहुत खूबसूरत है। पहले जो है म्यूज़ियम के अंदर वाले हिस्से में थे, और अब हम आ गए हैं बाहर, और इसके सामने है शांज़ेलीज़े। और ये देखें इसकी इमारत बाहर से, ये जो है फेमस पोज बन रहे हैं यहाँ पे, हाथ को पकड़ के ऐसे लोग बनाते हैं, तो लगता है जैसे ये है कि ये जो इसकी चीज़ है ये इसके आपके हाथ के नीचे आ जाती है। और ये देखें अंदर और बाहर कितनी जो है ये अजीम बिल्डिंग, कितना अच्छा इस पर लगा होगा, कितने जो है वो लेबर ने यहाँ पर काम किया होगा, कितने स्टोन्स, कितनी बाकी मशीनरी और कितनी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई होंगी इस अजीम इमारत को बनाने के लिए, म्यूजियम द लूव्र।
ये है जी शांज़ेलिज़े मार्केट, सॉरी स्ट्रीट, वर्ल्ड फेमस और बड़ी फेमस है यहाँ पर। जिस तरह लंदन में है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, तो यहाँ पे सबसे जो फेमस है वो है शांज़ेलिज़े। और अभी हम उसी स्ट्रीट में ही हैं और ये जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं और ये जो है इसकी गहमा गहमी और क्राउड और शॉप्स वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए कितना रश आपको नज़र आएगा, काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है, काफ़ी वाइड भी है, काफ़ी लॉन्ग भी है। मेरा ख्याल है कम से कम मोर देन किलोमीटर तो हम चल रहे होंगे स्ट्रेट और चल ही जा रहे हैं और आगे से आगे रश बढ़ता जा रहा है, शॉप्स बढ़ती जा रही हैं। लेफ्ट और राइट का हमें यहाँ समझ नहीं आती तो थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गाड़ी रोकनी कहाँ पे है और गाड़ी चलानी कहाँ पे है, किस तरह से गाड़ी आ रही है, किस तरह से जा रही है, क्योंकि यूरोप जो है वो टोटली ऑपोजिट है इंग्लैंड के। काफ़ी ग्रीन स्ट्रीट है, काफ़ी यहाँ पे जो है वो ट्रीज वगैरह और इस तरह के लवाजमात बने हुए हैं जो कि इसको जो है वो खूबसूरत बना रहे हैं। ये जो है शनल का जो है ये स्टोर है और एज यू माइट नो के जो पेरिस है ये फ्रेगनेंस मार्केट है और परफ्यूम्स जो हैं वो ज़्यादा या वर्ल्ड फेमस जो परफ्यूम ब्रांड्स हैं वो सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी यहीं पे होती है, फ्रांस में, पेरिस में और बाकी सिटीज़ में। तो उनके काफ़ी स्टोर्स आपको आगे भी नज़र आएंगे। ये देखिए ग्रीन लाइट है, ये आपको सायरन में नजर आ रहा है, ये यहाँ की पुलिस का सायरन है। तो लंदन की तरह यहाँ भी पुलिस सारा दिन मेरे ख्याल से यहाँ पे घूमती रहती है और सायरन बजते रहते हैं, लेकिन इनका जो साउंड है वो टोटली डिफरेंट है जो इंग्लैंड की पुलिस है। ये देखें ब्रांड, इसमें मैं आया था यार बहुत साल पहले, सिफोरा, हाँ सिफोरा। सारे देखें वेलकम जी। सिटी ऑफ रोमांस कहा जाता है पेरिस, और अगर पेरिस का रोमांस कहा जाए कौन सा, तो मेरा ख्याल है ये आइफल टावर, इसके बगैर जो है वो पेरिस कंप्लीट नहीं होगा। तो सिटी ऑफ रोमांस पेरिस, हियर वी गो। आप किसको समझते हैं रोमांस ऑफ पेरिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।
खूबसूरत मौसम है और खूबसूरत इसका जो है वो व्यू है। और ज़्यादा मज़ा जो है इसका वो इवनिंग में आता है, जब इसकी लाइटिंग होती है, डार्कनेस होती है तो शाइन करता है ये। लेकिन चूंकि हम अभी डे टाइम है तो उस तरह शायद वो मज़ा ना ले सकें, लेकिन फिर भी एक बहुत ही मजेस्टिक व्यू। सिटी ऑफ रोमांस पेरिस, और ये पेरिस का आप देख सकते हैं रोमांस, और ये है आईफल टावर, और ये देखें यहाँ तक जो है वो लिफ्ट इसकी जो है वो जाती है, और ये देखें छोटे छोटे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि इतनी ऊंचाई पर जाके बिल्कुल छोटे छोटे आपको फील हो रहे हैं। और ये अब देखें कितना है दूर यहाँ से, और ये खूबसूरत स्काई का नज़ारा यहाँ से आईफल टावर, और अप एंड डाउन कर करके जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही खूबसूरत आउटस्टैंडिंग व्यू है यहाँ से। रिवसीम के ब्रिज पे आ गए हैं, और ये देखें यहाँ पर बोट फुल ऑफ टूरिस्ट, और ये देखें कचाकच ऊपर से सारी जगह भरी हुई है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। और व्यू यहाँ से देखें कितना प्यारा है आईफल टावर ये ऊपर, और ये देखें कितने बिजी ये एरिया टूरिस्ट के हिसाब से, और ये रिवसीम, और ये आपको इस तरह अगर व्यू दूँ, ये हमारे जांबाज फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, और ये जो है लोग जो है यहाँ की मुख्तलिफ जो उनकी प्रोडक्ट्स है वो बेच रहे हैं यहाँ पर। फोटोग्राफी है उसमें जो है ये बहुत ट्रिप्स है, ये जी हमारी आ गई है ट्रेन, इसका नाम रखा हुआ है आरसी, और ये है जी डबल डेकर, इस पे अब हम जा रहे हैं सैन मिशाल, और सैन मिशाल के बाद हम जाएंगे गार्डन और स्टेशन, और यही चलते हैं ठीक है। और इससे पहले भी जो है ये मैं यूज़ कर चुका हूँ आज जो है काफ़ी, इससे बाद हमारे इसके ट्रेन जो है ऊपर से खाली पड़ी हुई है। ये जी व्यू सेंट मिशेल जो है ये स्टेशन है, और यहाँ से हम जाएंगे मेट्रो, और मेट्रो से हम जाएंगे गोल्डन नॉर्थ। मेट्रो जो है वो सिंगल डेकर है मेरे ख्याल से उसको, और ये आरसी ट्रेन इसको कहते हैं, और आरसी जो ट्रेन है ये है डबल डेकर। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट उन्होंने किया भाई दूसरे को, और ये रही ट्रेन। एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत। नहीं आ रही। ये ट्रेन जो मेट्रो है वो टायरों पे है, और ये मेरे ख्याल से रेलवे का ट्रैक है इसका, और ये काफी बिजी जा रहा है स्टेशन। गौरतलब है के लिए यहाँ पे जो है एंट्रेंस होती है। गार्डन रोड स्टेशन जो है जी ये सामने आ गया है, और यहाँ से अब लेंगे ट्रेन टू गो बैक लंदन। एक आवर में जो ट्रेन है यहाँ से, और ये इनका मेन स्टेशन है लंदन का जो था वो सेंट पैनक्रस, और यहाँ का है ये गार्डन रोड। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था आज, धूप रही है ऑल द डे, लेकिन ये एंड पे जाके थोड़ा सा वो शावर रेन हुई है। लेकिन यह कि हम रेस्टोरेंट में थे, बचबचा हो गया हमारा, तो फुल जो है ना हमने दिन को एंजॉय किया, और अब वापसी की तरफ।